हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे विद सेम डिनोमिनेटर एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर के साथ। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ओके, फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन हूज न्यूमिनेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर बट नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, न्यूमिनेटर लेस देन हो डिनोमिनेटर से तो हम उसे क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 3/4, 11/20, 4/9। इसमें न्यूमिनेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर से। ओके, नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन हूज न्यूमिनेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमिनेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से। ओके, नेक्स्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन, नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। जिन नंबर में नेचुरल नंबर भी हो और प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो उन्हें हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2 5/13, 2 इज नेचुरल नंबर, 5/13 इज प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो उन्हें हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट लाइक फ्रैक्शन। द फ्रैक्शन हूज डिनोमिनेटर आर सेम आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, ओके, उन्हें हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट अनलाइक फ्रैक्शन। द फ्रैक्शन हूज डिनोमिनेटर आर डिफरेंट आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर इक्वल ना हो, डिफरेंट हो, तो उन्हें हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। द फ्रैक्शन हूज वैल्यू आर सेम कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन जिनको कैंसिल करने पर वैल्यू इक्वल हो, ओके, या 2/3 है, ओके, 2/3 इक्वल है 4/6 के। अगर हम 4/6 को कट करें तो 2 2s are 4, 2 3s are 6, ओके, तो 2/3 और 2/3 इक्वल है। इसी तरह 6/9 को अगर हम कट करें तो 3 2s are 6, 3 3s are 9, 8/12 को कट करें तो 4 2s are 8, 4 3s are 12। तो ये सारे फ्रैक्शंस क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके, नेक्स्ट हम फ्रैक्शंस को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना सीखते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एडिशन ऑफ टू मिक्स्ड फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। ओके, टू मिक्स्ड फ्रैक्शंस को ऐड करना जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो? डिफरेंट हो। ओके, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ओके, 3 2s are 6, 6+1 7/2 प्लस 4 9s are 36, 36+3 39/9। ओके, नेक्स्ट डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। 2 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 2 1s are 2, 9 as it is, 3 1 as it is, 3 3s are 9, 3 1 as it is, 3 1s are 3, 2 × 3 × 3 equal 18, 2 3s are 6, 6 3s are 18, एलसीएम क्या हो जाएगा? 18। 2 की टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है? 9 टाइम्स। 9 को हम क्या करेंगे? न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 2 9s are 18, 9 7s are 63 प्लस 9 की टेबल में 18 आता है 2 टाइम्स, 2 को हम 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 141/18। अगर ये कैंसिल हो रहा हो तो हम इसे कैंसिल कर देंगे, अगर ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम टू मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके ऐड करते हैं। ओके, नेक्स्ट एडिशन ऑफ टू मिक्स फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर। टू मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करना जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो। ओके, तो फर्स्ट हम इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। 9 4s are 36, 36 और 8 44, 44/9 प्लस 9 9s are 81, 81+2 83 अपॉन 9। ओके, अब डिनोमिनेटर सेम है, कौन से फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन। ओके, लाइक फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं? बिना एलसीएम लिए ही ऐड कर देते हैं। ओके, तो 44+83 इज व्हाट? 127/9। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 9 1s are 9, 9 1s are 9, 3 हमने इसको कैरी दिया 37, 9 4s are 36,
14, यहाँ पे 1 बचा तो 1/9। तो इस तरीके से हम टू मिक्स फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं जब डिनोमिनेटर सेम हो। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्ट ऑफ टू मिक्स फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। टू मिक्स फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। तो फर्स्ट तो हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 4 4 16, 16 + 3, 19 अपॉन 4 माइनस 6 3 18, 18 + 8, 26/6। ओके, नेक्स्ट डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम इनका एलसीएम लेंगे। ओके, 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स, 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स। 2 1s are 2, 3 एज इट इज 3 1 1, 3 × 2 × 2 = 12, 3 2s are 6, 6 2s are 12, एलसीएम इज व्हाट 12। 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स, 3 को हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 57, माइनस 6 के टेबल में 12 आता है 2 टाइम्स, 2 को हम 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52। ओके, 57 माइनस 52 इज व्हाट 5/12। तो इस तरीके से हम टू मिक्स फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्ट ऑफ टू मिक्स फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर सेम हो तब हम मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट तो हम इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 3 9s are 27, 27 + 2, 29/3 माइनस 3 8s are 24, 24 + 4, 28/3 इक्वल। अब डिनोमिनेटर सेम है तो हम बिना एलसीएम लिए इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 29 - 28 इज व्हाट 1/3। ओके, इस तरीके से हम टू मिक्स फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करते हैं जब डिनोमिनेटर सेम है। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। जब डिफरेंट डिनोमिनेटर हो तब हम किसी भी फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पर 3 फ्रैक्शन है, हम क्या करेंगे। फर्स्ट तो 8 3 4 का एलसीएम लेंगे। 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम, 3 नहीं आता तो 3 एज इट इज, 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम, 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम, 3 एज इट इज, 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम, 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम, 3 एज इट इज, 1 एज इट इज। ओके, 3 1 एज इट इज, 3 1s are 3, 1 एज इट इज। एलसीएम क्या होगा, 3 × 2 × 2 × 2, 24। 8 के टेबल में 24 आता है 3 टाइम्स, 3 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5s are 15, माइनस 3 के टेबल में 24 आता है 8 टाइम्स, 8 4s are 32, माइनस 4 के टेबल में 24 आता है 6 टाइम्स, 6 3s are 18। नेक्स्ट, प्लस का 15, माइनस का 32, माइनस का 18। ओके, तो हम क्या करेंगे, 15 को एज इट इज रहने देंगे और माइनस माइनस डिजिट को प्लस कर लेंगे। माइनस माइनस प्लस साइन बाई डिजिट का, तो 32 बाई डिजिट है तो माइनस, और 32 प्लस 18 इज व्हाट 50 अपॉन में 24 इक्वल। 15 माइनस 50 इज व्हाट, माइनस का 35 अपॉन 24, बाई डिजिट है 50 तो हम इसका साइन लेंगे माइनस का, और 15 और 50 को क्या कर देंगे माइनस 35। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिनोमिनेटर सेम होने पर हम उनका एलसीएम ले लेते हैं तो हम न्यूमरेटर को बिना एलसीएम लिए ही माइनस कर देंगे। इक्वल 9 - 6 - 5/7 इक्वल 9 एज इट इज, माइनस माइनस 6 - 5, माइनस माइनस प्लस साइन बाई डिजिट का, माइनस का 11/7, 9 - 11, माइनस 2/7। ओके, नेक्स्ट, एडिशन ऑफ 3 फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो हम फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करेंगे। फर्स्ट तो हम 8 3 4 का एलसीएम लेंगे। 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम, 3 एज इट इज, 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स, 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स, 3 एज इट इज, 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम, 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम, 3 एज इट इज और 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम 1, 3 × 2 × 2 इक्वल 24। 8 के टेबल में 24 आता है 3 टाइम, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 21, प्लस
3 की टेल में 24 आता है 8 टाइम, 8 5 जा 40, 4 की टेल में 24 आता है 6 टाइम, 6 8 जा 48, ओके, 21 प्लस 40 प्लस 48, 40 40 80, 80 और 20 100, 109 अपॉन 24, 24 वन जा 24, 24 4 जा 96, ओके, 109 में से 96 को माइनस किया तो 13, तो 4 13 बाय 24। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ 3 फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करेंगे? डिनोमिनेटर सेम हो तब बिना एलसीएम लिए हम फ्रैक्शंस को ऐड कर देते हैं, ओके, तो 5 प्लस 9 प्लस 7 अपॉन 8 इक्वल 9 प्लस 7 16, 16 और 5 21, 21 बाय 8। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 8 वन जा 8, 21 से छोटा 16 आता है 8 की टेबल में, 8 टू जा 16, ओके, तो 21 माइनस 16 इज व्हाट 5, तो 2 5 बाय 8, ओके। नेक्स्ट, हम फ्रैक्शंस में ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों को एक साथ कैसे कर सकते हैं? लाइक फ्रैक्शन में हम एलसीएम नहीं लेते हैं, तो 2 प्लस 9 माइनस 6 अपॉन 4 इक्वल 9 प्लस 2 इज व्हाट 11 माइनस 6 अपॉन 4, 11 में से 6 माइनस किया तो 5 अपॉन 4। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 वन जा 4, 4 वन जा 4, 1 1 बाय 4। नेक्स्ट, एड एंड सब्ट्रैक्ट 3 फ्रैक्शन। तो फर्स्ट तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे 7 4 और 2 का। 2 की टेबल में 7 एज इट इज, 2 की टेबल में 4 आएगा 2 टाइम्स और 1 टाइम्स, 7 एज इट इज, 2 वन जा 2 1, 7 वन जा 7 1 और 1, 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 28। एलसीएम इज व्हाट 28, 7 की टेबल में 28 आता है 4 टाइम, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, माइनस 4 की टेबल में 28 आता है 7 टाइम, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, प्लस 2 की टेबल में 28 आता है 14 टाइम, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, ओके। नेक्स्ट, 36 एज इट इज माइनस 42 प्लस 42 कैंसिल अपॉन 28 एज इट इज इक्वल, इसको हम कट कर सकते हैं, 2 वन जा 2, 2 4 जा 8, 2 वन जा 2, 2 8 जा 16, 2 की टेबल में 14 आता है 7 टाइम, 2 की टेबल में 18 आता है 9 टाइम, 9 अपॉन 7, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, 7 वन जा 7, 2 अपॉन 7। तो हमने आज इस वीडियो में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस देखे हैं और फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखा है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।